नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर मैं हूं अशोक वान खड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट और आज हिट किया एप्पल ने माने आईफोन ने और हिट हुई है केंद्र सरकार आज सुबह सुबह बहुचर्चित तृणमूल कांग्रेस की सांसद जिसे जिसपे आरोप है क्वेरी फॉर कैश जिसपे आरोप है कि प्रधानमंत्री की छवि धुमिल करने के लिए उन्होंने अड़ानी पे सवाल पूछे और उस सवाल पूछने के लिए उन्होंने हिरानंदानी नाम के उद्योगपति से कुछ फेवर लिया वही महुआ मोइत्रा जो खड़ी होती है पार्लियामेंट में तो सरकार के माथे पे चिंता की लकीरें खड़ी हो जाती है और जब सरकार को घेरती है तो पूरा देश सुनता है फिर आज तूने ट्वीट करके वह बताया कि एप्पल फोन ने यानी आईफोन जो यूज कर रही है तो एप्पल कंपनी ने उन्हें एक अलर्ट भेजा है और वो अलर्ट क्या है वो अलर्ट है किसी राज्य प्रायोजित हमलावार ने आपके आईफोन के साथ छेड़छाड़ की है तो वे अपना तो वे यानी वो छेड़छाड़ करने वाला आपका संवेदनशील डेटा कम्युनिकेशन यहाँ तक कैमरा और माइक्रोफोन तक भी हैक कर चुका है और ये आपको हानि पहुंचा सकता है या इसके द्वारा ये आपके तमाम संवेदनशील डाटा हैक कर सकता है ये जब आईफोन ने महुआ मोत्रा को अलर्ट भेजा आईफोन ये विश्व का सबसे सिक्योर फ़ोन माना जाता है बाकी सब एंड्रॉयड बेस पे होए जो बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे भी वो फ़ोन हैक कर सकते हैं लेकिन आईफोन की खासियत है वो अभी तक बहुत मुश्किल से हैक होता है पैकेज जैसे सिस्टम छोड़ा तो आई आईफोन में घुसना बहुत मुश्किल है इसलिए आईफोन को जैसा भी समझ में आता है कि कोई बाहरी सिस्टम कोई हैकर इस फोन को हैक कर रहा है इस फोन के डाटा को कलेक्ट करना चाहता है या इसमें घुसकर आपकी बातें सुनना चाहता है आपके ईमेल लेना चाहता है तो वो अपने ग्राहक को अलर्ट करती है कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा तो ये अलर्ट आया इसके मायने कोई ना कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इस पे खेल कर रहा है महुआ मैत्रा ने ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया और वो ट्वीट में कहती है कि मुझे अडानी और प्राइम मिनिस्टर मुझसे डरते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं मुझे डराने की जिस पर मुझे उनके ऊपर दया आ रही है जैसा ही ये ट्वीट आया तुरंत दूसरे और प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है उसने कहा यह अलर्ट मुझे भी आया है कि सरकार मेरे फोन के साथ छेड़खानी कर रही है उसके तुरंत बाद शशि थरूर ने भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया उसके बाद पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट किया बाद में पता पड़ा कि लेफ्ट के वामपंथी दलों के बड़े नेता सीताराम येचुरी के साथ भी ऐसा ही हुआ है उनको भी अलर्ट आया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी यह अलर्ट आया है और फिर अलर्ट जिन जिन को आया उनकी एक लंबी फहरिस्त सामने आई और ज़्यादातर लोग ये तो वो है जो इंडिया गठबंधन के मेंबर है राघव चड्डा आम आदमी पार्टी उन्होंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया शशि थरूर ने तो ये लिखा अपने ट्वीट में कि मेरे जैसे टैक्स पेयर के खर्चे पे अल्प रोजगार अधिकारियों को मेरे जैसे टैक्स पेयर के खर्चे पे अल्प रोजगार अधिकारियों को व्यस्त रखने में खुशी हुई लगता है उनको इसके सिवा और कोई महत्वपूर्ण को काम आता ही नहीं शशि थरूर इस पे हंस रहे हैं मोहुआ मित्रा को इस पे दया आ रही है बाकी लोग सरकार को कोस रहे हैं जब ये ट्वीट पे ये मामला चल रहा था तो केंद्र सरकार ने बस इतना भर कहा कि एप्पल फोन के लॉगर में कुछ गड़बड़ी हुई इसलिए ये गलत जानकारी शायद अलर्ट आए होंगे सरकार इस पे डिटेल बयान जारी करेगी इसका मतलब या तो सरकार आईफोन को डांटेगी क्यों क्या या, या कहीं से हाथ पकड़ के स्क्रू टाइट करने का प्रयास करेगी इसके हम यही मायने मानते हैं क्योंकि 2014 से यही होते आ रहा है कुल मिलाकर ये जो बार बार चीजें सामने आ रही है यह इस सरकार का डिस्परेशन दिखाता है कि सरकार को लगता है कि उनके हाथ से बाजियां निकल गई हैं यदि सरकार वाकई जो दावे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मन की बात से लेकर तमाम रैलियों में करते हैं यदि वो हुआ है देश में तो उन्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं विपक्ष पे नजर रखने की जरूरत क्या है क्योंकि इतना अच्छा काम करने वाला प्रधानमंत्री कौन देश होगा कौन मतदाता होगा जो उन्हें नकारेगा मैं बार बार कहता हूं इस देश का मतदाता स्ट्रगल है वो बहुत कष्ट झेल रहा है संकट में है परेशानी में है अशिक्षित है लेकिन मूर्ख नहीं है जो सरकार उसके लिए अच्छा करती है उस सरकार के प्रति समर्पित होता है या जब उसे लगता है कि देश संकट में है तो वह सरकार के पीछे खड़ा हो जाता है 2014 में एक भ्रष्टाचार का बड़ा राक्षस खड़ा कर दिया था जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसके ऊपर आज तक 10 सालों में कुछ नहीं कर पाई ये सरकार वो हवा में चले गए फिर 2014 के बाद प्रलोभन और वादे आ गए फिर वो वादे चुनावी जुमले साबित हो गए 2019 में जब स्थिति खराब थी तो फिर राष्ट्रवाद का तड़का लगा और फिर एयर स्ट्राइक हुए पुलवामा होने दिया या करवाया गया या क्या हुआ इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मलिक साहब ने लगाया है मैं भी उसी प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा हूं लेकिन अब 2024 में क्या करेंगे अब वादे चुनावी जुमले हो जाते हैं वो भी नहीं चलेंगे चेहरा भी नहीं चलेगा विकास का मॉडल भी नहीं चलेगा किसको भ्रष्ट कहोगे क्योंकि जिन्हें भ्रष्ट कह रहे हो वो तो आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं जिनके खिलाफ लगातार आप वोट मांग रहे थे वो आज आपके साथ में बैठ के सरकार चला रहे हैं तो भ्रष्टाचार में भी वो दम नहीं बोलने का वो नैतिक ताकत नहीं बोलने की फिर ऐसे में आपके पास वो है जो आपने किया जब आपने पिछले 2014 से लेकर 2022 तक सिर्फ बात ही की है कभी मन की बात तो फिर मन की बात और फिर मन की बात न जन की बात सुनी ना किसी अधिकारियों की बात सुनी ना मीडिया की बात सुनी मैं मीडिया यानी स्वतंत्र मीडिया कह रहा हूं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं उन्होंने जो सुनी वो गोदी मीडिया की बात सुनी बस 24 घंटे उनका महिमा मंडन चालीसा पढ़ता है और उनका गुणगान गाता है सरकार को हमेशा चाहिए कि उनकी गलतियां कहां हुई यदि वो कहीं बताने वाला हो तो उसको ध्यान से सुने तो ही सरकार अपने आप को करेक्ट कर सकती है लेकिन जो ये कहे कि मैं कभी गलती ही नहीं कर सकता और गलतियों पे गलतियां करे तो फिर जनता उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है लगातार चुनाव में हो रही हार से भाजपा चिंतित है मोदी जी का चेहरा भी नहीं चल रहा हिंदुत्व का कार्ड भी नहीं चल रहा है कर्नाटक के चुनाव शिमला के हिमाचल के चुनाव दिल्ली के चुनाव ने सब रिजेक्ट कर दिया अब नया क्या अब विपक्ष को कमजोर करो ताकि हम कितने भी कमजोर हो तो विपक्ष से थोड़ा ताकतवर दिखे जब हम किसी पहलवान को हरा नहीं सकते तो उनको ऐसा कुछ खिला दो कि वो लड़ने के लायक ही नहीं रहे तो फिर उनके ऊपर आरोप लगो उनको जेल में ठूसो जो सवाल उठाता है उसका मुंह बंद करो कोई पत्रकार ज्यादा बोलता है उसे जेल में ठूस दो इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का खुल के उपयोग करो और लगातार विपक्ष क्या कर रहा है इस पे ध्यान दो इसके लिए ये तमाम चीजें चलती हैं जब पैकेसिस का मामला आया तब भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई जब तक ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाता और सर्वोच्च न्यायालय कमेटी नहीं अपॉइंट करती तब तक पैकेसिस के बारे में केंद्र सरकार मुंह नहीं खोल रही थी तब जाके उन्होंने कहा कि हां हमने पैकेसिस लिया अब यह बात अभी भी किसी को पता नहीं कि जो पैकेस लिया वो इस देश के पत्रकार इस देश के अधिकारी इस देश के मंत्रिमंडल के सदस्य इस देश के विपक्ष के नेता इनके फोन पे क्यों यूज किया गया इसके बारे में सरकार मौन है जब भी पैकेजिस का उपयोग क्या कहाँ किया यह पूछा जाता है तो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को दुहाई देते हुए पीछे ही मुड़ जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा आवरण है जिसके पीछे सब गंदगी छुपाने का प्रयास हो रहा है राष्ट्र संकट में है एक ऐसी ऐसा जुमला है हिंदुत्व संकट में है ऐसा जुमला है जिसके तहत आप अपनी कमियां छुपाते हैं लेकिन एप्पल का दिया हुआ यह अलर्ट जरूर इस देश की जनता के सामने एक तो सच्चाई लेके आया है कि जो विपक्ष में मुंह खोलता है जो सवाल पूछता है फिर वो चाहे आईफोन जैसा सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट भी क्यों ना रखे सरकार वहाँ पहुँचने का प्रयास करती है इसलिए मैंने कहा कि आज सरकार बैकफुट पे है सरकार कह रही है कि बाद में हम वक्तव्य देंगे क्योंकि सरकार हिट हुई है और हिट किया है आईफोन और एप्पल ने आज इतना ही कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर